नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन की। यूपी के कई शहरों में वायरल बुखार का कहर तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। यूपी सरकार ने रैपिड रिस्पॉन्स टीम गठित कर दी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया है। आपको ये जानकारी दे दें कि वायरल बुखार से 15 दिनों में 52 लोगों की जान चली गई है। इतना ही नहीं, फिरोजाबाद में सीएम योगी जिस बच्ची से अस्पताल में मिलने गए थे, उसने भी दम तोड़ दिया। ये दो तस्वीरें आपके सामने आगरा और सहारनपुर की। यहां पर वायरल बुखार लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद सीएम योगी ने फिरोजाबाद के सीएमओ डॉक्टर नीता कुलश्रेष्ठ को हटा दिया। उनकी जगह अब डॉक्टर दिनेश कुमार प्रेम को चार्ज सौंपा गया है। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनेजा ने बताया कि 240 बच्चे भर्ती हैं, ज्यादातर को उल्टी और डायरिया की शिकायत है। डेंगू और मलेरिया जैसे लक्षण भी मिले हैं। फिलहाल लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या से अस्पतालों में हालात भयावह होते जा रहे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर की टीम ने भी मृतक और बीमार बच्चियों का सैंपल लिया था। आशंका थी कि कहीं कोरोना के किसी नए वेरिएंट से तो मौतें नहीं हो रही। हालांकि अब तक की रिपोर्ट में एक भी कोरोना का केस नहीं मिला है। तो मासूमों पर बुखार का कहर लगातार बना हुआ है। वायरल मामले में सीएम योगी का आदेश भी सीएमओ को हटाने के लिए दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार फॉगिंग की जा रही है। और आगरा की तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर वायरल बुखार से लगातार जो बीमारों की संख्या है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो वायरल बुखार है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं उनमें ज्यादा लक्षण इस बुखार के देखे जा रहे हैं। लेकिन हड़कंप इसलिए मच गया था क्योंकि डॉक्टर से जानना चाह रहे थे कि कहीं कोई एक कोरोना का दूसरा वेरिएंट तो नहीं है। हालांकि ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है सैंपल्स में। फिलहाल इसे वायरल बुखार माना जा रहा है। डेंगू जैसे लक्षण हैं, मलेरिया जैसे लक्षण हैं, जिसको लेकर तमाम ट्रीटमेंट और तमाम जो यहां पर टीमें हैं वो भी गठित कर ली गई हैं। ये तस्वीरें आगरा से आप देख सकते हैं। अस्पताल पूरी तरह से भर चुके हैं और यहाँ पर फॉगिंग लगातार की जा रही है। जो आसपास कूड़ा है उसे हटाया जा रहा है, जहाँ पर पानी भरा हुआ है वहाँ पर यहाँ पर सफाई की जा रही है। और सहारनपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, साफ सफाई पर विशेषकर ध्यान दिया जा रहा है। लोगों से भी लगातार जागरूक रहने की अपील की जा रही है। जहाँ भी घर के आसपास कुछ ऐसी जगह हो जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है बरसात के मौसम में, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि कुछ बीमारियाँ सामने आती हैं, तमाम वायरल बुखार जो हैं वो सामने आते हैं। ऐसे में ऐसी ही तस्वीरें सहारनपुर से सामने आ रही है। हालांकि जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। यूपी में इस समय तमाम जिले ऐसे हैं जो कि वायरल बुखार की जद में हैं। मासूम बच्चे ज्यादा इस बुखार का निशाना बन रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं बचे हैं। तो सीएमओ को हटाने के यहां पर निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि वायरल बुखार मामले में सीएम योगी का आदेश भी सामने आया है। फिरोजाबाद से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए थे। तो बुखार लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है। और ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूबी, जो वायरल बुखार है तमाम जिलों में कहर बरपा रहा है, मासूम बच्चों को अपना निशाना बना रहा है, क्या कुछ जागरूकता के लिए तैयारियां की जा रही हैं प्रशासन की तरफ से? कि मार्च से ही उभर नहीं पाए थे, अब ऐसे में ये जो डेंगू है या टाइफाइड के जो बुखारे चालू हो चुकी है, काफी तादाद में मरीज निकल के आ रहे हैं। कुछ अस्पतालों में मरीजों की जो कतारें हैं वो बढ़ती हुई दिख रही है। ऐसे में सीएम ने खासतौर से बच्चों के लिए खास इंतजाम करवाया है। उन्होंने कहा है कि जो भी हॉस्पिटल बच्चों के हैं उसके लिए डॉक्टर के देखरेख के लिए एक अलग पैनल तैयार किया जाए, जो बेड है उनको तैयार रखा जाए ताकि अगर इनकेस कोई इमरजेंसी पड़ती है तो उसके लिए डॉक्टर की जो टीम है वो बिल्कुल तैयार रहे। इस मसले में लखनऊ के जो फेमस हॉस्पिटल है वो सिविल हॉस्पिटल है, बलरामपुर हॉस्पिटल है,
लोहिया हॉस्पिटल है यानी कि जो सरकारी हॉस्पिटल है उस पर खास तौर से कहा गया है कि आप अपनी जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद कर ली जाए, यानी कि जो सरकार है वो तैयार है कि अगर ऐसे में कोई टाइफाइड या डेंगू की मार्ग से मरीजों की बढ़ोतरी होती है तो वो दो दो हाथ करने के लिए तैयार है। वही बात अगर जिस तरह से कुछ सैंपल्स ले गए हैं, जो डॉक्टर्स थे वो आशंका जता रहे थे कि कहीं ये कोरोना का नया वेरियंट तो नहीं है, गनीमत रही कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन डेंगू और मलेरिया जैसे लक्षण जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में देखिए रूबी, ये बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में तमाम अन्य बीमारियां हो जाती है, तमाम वायरल हो जाते हैं, तो इस बीमारी को जो वायरल बुखार है इसे कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है? काजोल देखिए, हर हॉस्पिटल में यही एक लगा दिया गया है, कैप्शन तहत लगा दिया गया कि अगर आपको तेज बुखार आता है तो आपको ये दवा लेनी चाहिए, 3 दिन से ज्यादा अगर बुखार आपको नहीं उतरता है तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करिए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो सरकारी हॉस्पिटल में है उनमें दवाएं जो है वो मुफ्त की व्यवस्था की गई है, यानी कि अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप बीमार हैं या पूरा परिवार बुखार के चपेट में आ चुका है तो वो हॉस्पिटल की तरफ जरूर भागे, घर में इंतजार ना करें। घर में इंतजार करने का मतलब है कि अगर एक बंदे को होगा तो दूसरे को जरूर होगा। और रही बात यहाँ के आसपास के नगर निगम ने भी पूरे कमान को संभाल लिया है, मच्छर के लिए वॉक करा जा रहा है और जगह जगह पे जो नाली है भरे। देखिए रूबी, स्वास्थ्य विभाग की टीम तो लगातार कोशिश कर रही है कि पूरे अस्पतालों में जो है अलग से तमाम तैयारियां की जाए, बेड प्रॉपर रखे जाए, लेकिन प्रशासन कितना तैयार है, प्रशासन आम लोगों को कितना जागरूक कर रहा है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि बरसाती मौसम में तमाम गंभीर बीमारियां आ जाती हैं लेकिन लोग उसको लेकर जागरूक नहीं हो पाते, अपने आस पास साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाते हैं। देखिए डॉक्टर्स अपनी तरह से पूरी तैयारियां कर रहे हैं, प्रशासन कर रहा है, लेकिन एक लोग भी जो है उनको भी जागरूक रहना जरूरी है, क्योंकि हम भी देश के जिम्मेदार नागरिक हैं, अपने आसपास किस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या ऐसी कोई तस्वीर सामने आ पाई है? बिल्कुल ठीक कहा काजोल, क्योंकि जागरूकता अगर नहीं होगी तो इस बीमारी से अभी और भी ज्यादा सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं खासतौर से अगर हम नीचे तबके की बात करते हैं आज भी वो तंग गलियां होती हैं, भरी हुई नालियां होती हैं जहां पे साफ सफाई नहीं है, तो ऐसे में लोगों का जागरूक होना ही लाजमी होता है, क्योंकि उनको ही पता करना चाहिए कि यहाँ की साफ सफाई कहाँ पे कहा जाए, जहाँ पे जल्द से जल्द नाली साफ हो जाए, पानी का भराव ना हो। तो जनता या ये कह सकते लोगों में जो जागरूकता होनी चाहिए उसी के ही हवाले से इस बीमारी को हम मात दे सकते हैं। शासन प्रशासन की अगर हम बात करते हैं भले ही वो तैयारी कर चुकी हो लेकिन अगर लोग खुद नहीं तैयार होंगे यानी कि लोग खुद जागरूक नहीं होंगे तो इस बीमारी से लाजमी है कि हम लड़ नहीं सकते। और ऐसे में पुराने लखनऊ की अगर हम बात करते हैं वहाँ पे तंग गलियां हैं, तंग भरे हुए नाले होते हैं, नालियां होती हैं जिनकी सफाई महीनों नहीं होती है, और ऐसे में वहां पे आसपास के जो लोग हैं खुशी से रह रहे हैं, तो जनता को खुद जागरूक होना चाहिए ऐसे बदहाली के शिकार होने से बजाय। चलिए ठीक है रूबी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये हालात हैं कुछ जिलों के जहां पर वायरल बुखार जो है वो कहर बनकर लोगों पर टूटता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, योगी आदित्यनाथ आदेश दे चुके हैं, निर्देश दे चुके हैं, तमाम अस्पतालों में व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, लेकिन ये जो वायरल बुखार है वो बच्चों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, ऐसे में जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब स्कूल भी खुल चुके हैं, स्कूल में किस तरह की व्यवस्था है ये स्कूल को भी ध्यान देने की जरूरत है। वहीं मुरादाबाद से खबर सामने आई है जहां पर कतर के दोहा में भारत की एम्बेसी में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल की तालिबान के शीर्ष राजनीतिक नेता शेर मोहम्मद अब्बास से मीटिंग पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने इस मुलाकात पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तालिबान के साथ बात करनी पड़ गई है, भारत सरकार को आखिर क्यों तालिबान के सामने झुकना पड़ रहा है, पूरी दुनिया तालिबान को आतंकवादी कहती है और भारत को उनके पॉलिटिकल चीफ से बात करनी पड़ रही है, और क्या कुछ कहा उन्होंने आपको भी सुनवाते हैं। देखिए, हमने पहले भी इस बात को कहा था कि हमारी सरकार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है तालिबान के मामले में, जिस तालिबान को सारे लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते, कोई टेररिस्ट कहता है, कोई दुनिया में क्या क्या कहता है, और हमारा भी ये मकसद था और हमारा भी ये मौक़िफ़ था कि हम कभी टेररिस्ट से बात नहीं करेंगे, या तो वो पहले बंदूकें रखें उसके बाद बात करें, वो क्या है क्या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन भारत
सरकार को इतना क्यों झुकना पड़ गया, कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि तालिबान के चीफ से जो पॉलिटिकल हेड है उससे बात करनी पड़ी। हमें ये बताया गया कि हमारे लोग फंसे हुए हैं वहाँ पर, उनको निकालने के लिए, रास्ते खोलने के लिए, तो अब तक क्या हो रहा था, अब तक क्यों नहीं निकाले। तमाम दुनिया के लोग अपने शहरियों को निकाल के ले गए, जर्मनी ले गया, फ्रांस ले गया, इटली ले गया, टर्की ले गया, अमेरिका ले गया, हमारे लोग अभी तक क्यों फंसे हुए हैं, हमने क्यों नहीं ये कोशिशें करी कि इसे निकालते। वहीं नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसे देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड में नजर आई, जिसको देखते हुए नोएडा प्राधिकरण को चारों तरफ से सील कर दिया गया। आपको जानकारी दे दें कि किसानों को देखते हुए 40 किसानों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई, साथ ही नोएडा पुलिस ने 250 किसानों को नोटिस भी जारी किया है। इसी के साथ पुलिस ने कहा है कि धारा 144 का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का अनोखा प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन बीच में ही किसानों को पुलिस ने रोक लिया है। चारों तरफ धारा 144 लगा दी गई है और जो भी 144 का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कई किसानों को हिरासत में भी लिया गया है और किसानों को वहां से वापस खदेड़ा गया। देखिए, आज कुछ लोग वहाँ पर अथॉरिटी की तरफ जाने का प्रयास कर रहे थे, इनके बारे में सूचना मिली थी तो हम लोगों ने इनको आगाह भी किया था। ये बताया था कि अभी 144 इम्पोज्ड है, पेंडेमिक का सिचुएशन है, इसमें इतनी संख्या में आप लोग इकट्ठा मत होइए, इससे इन्फेक्शन फैलने का थर्ड वेव का खतरा बना हुआ है। लगातार कहने के बाद भी ये कोई भी बात नहीं मान रहे थे और अचानक कहीं कहीं से मतलब एक छिप छिप करके यहाँ पहुँच गए हैं। और पहुँचने के बाद इन लोगों ने यहाँ पर पूरी की तरह कानून व्यवस्था को ठप कर दिया, यहाँ पे पूरी सड़क को बाधित कर दिया, यातायात बाधित हो गई, तमाम इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ के तमाम लोगों को परेशानी हो रही है। हमारे इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स है ये प्रोडक्ट्स नहीं जा पा रहे थे, तमाम लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। पीलीभीत में शिव सैनिकों ने सीएम योगी को संबोधित करते हुए ज्ञापन जिलाधिकारी पुलकित खरे को सौंपा है। आपको जानकारी दे दें कि शिव सैनिकों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया है कि पीलीभीत के एलएच शुगर फैक्ट्री द्वारा लगभग 120 करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर और विटको नाम के तमाम ऐसे चीजें हैं जो गाँव गाँव जाकर किसानों के माध्यम से सेल करवाया गया है। वहीं एलएच शुगर फैक्ट्री द्वारा जो भी चीजें और फर्टिलाइजर सेल करवाया गया वो सारे प्रोडक्ट नकली और फर्जी थे, जिसकी वजह से किसानों का गन्ना पूरी तरह से खराब हो चुका है और फैक्ट्री की वजह से जो किसानों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी की जाए। पीलीभीत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, शिव सैनिकों ने सीएम के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। किसानों का जो गन्ने की फसल थी वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, इसकी भरपाई को लेकर भी यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपा गया है। तो पीलीभीत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर शिव सैनिकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन डीएम को सौंपा है। उनका कहना है कि जो फर्टिलाइजर दिया गया है वो पूरी तरह से नकली था, जिसकी वजह से किसानों की जो फसलें हैं वो पूरी तरह से खराब हो गई हैं, तो उसका मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए। शिकायत तो बहुत लंबी है। दरअसल फैक्ट्री के अधिकारियों ने जो अभी लगभग मेरे ख्याल से 120 करोड़ रुपए की फैक्ट्री और फर्टिलाइजर और इंसेक्टीसाइड जो गांव-गांव जाकर के किसानों के माध्यम से सेल की है वो नकली और फर्जी है, और उसको लगाने के बावजूद भी किसान का गन्ना बेकार हो गया, फसल नष्ट हो गई है, गन्ना सूख रहा है। कौन सी फैक्ट्री की बात कर रहे हैं? एलएच शुगर फैक्ट्री पीलीभीत। हाँ, अच्छा, किसानों का गन्ना बेकार हो गया जी। लगभग कितनी खेती जो है बर्बाद हो गई इसमें? जिले भर में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एरिया एलएच शुगर फैक्ट्री के ही अंतर्गत आता है, तो ज़िले की बहुत सारी एरिया इन्हीं के उसमें अंडर में है, और इन्होंने बहुत सारी सप्लाई दी है, बिटाको नाम का एक पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर है। वहीं मेरठ के थाना सदर बाजार का हेड कांस्टेबल मनमोहन रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। इस मामले में थाना सदर बाजार इंस्पेक्टर बिजेंद्र राणा को भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के मुकदमे में आरोपी बनाया गया है। रिश्वत लेते हुए हेड कांस्टेबल को एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने टीम बनाई और इंस्पेक्टर कांस्टेबल को रंगे हाथों दबोच लिया। उधर हेड कांस्टेबल की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर सदर बाजार विजेंद्र राणा थाने से नाराज़ रहे। आपको ये जानकारी दे दें कि सरकारी काम से वो मेरठ से बाहर गए थे। ये भी जानकारी दे दें कि इस प्रकरण की जांच में सबूत के आधार पर सदर बाजार के हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज किया गया है।
आरोप है कि दोनों ट्रक चोरी के एक मुकदमे की विवेचना में वसूली कर रहे थे। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि थाने के हेड कांस्टेबल और इंस्पेक्टर ट्रक चोरी के मामले में पूछताछ के लिए लाए गए खतौली के वाकर को छोड़ने के एवज में 1,00,000 की रिश्वत मांग रहे थे। तो मेरठ का यह पूरा मामला है जहां पर इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। एफआईआर के बाद कांस्टेबल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। देखिए, एक व्यक्ति के द्वारा कल एक तहरीर दी गई, एफिडेविट दिया गया जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए थे थाना सदर बाजार के प्रभारी निरीक्षक के बारे में और एक हेड कांस्टेबल के बारे में कि उन्होंने उनको अवैध रूप से हिरासत में रखा और बिना किसी कारण के उनके साथ मारपीट करके उनसे धनादोहन का प्रयास किया, कुछ धन प्राप्त किया, कुछ धन मांगा जा रहा है। इसकी गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उच्चाधिकारियों के संज्ञान में ये प्रकरण लाया गया था और प्रकरण भ्रष्टाचार से जुड़ा होने के कारण जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए उसमें निष्पक्ष विवेचना के लिए अभियोग प्रदर्शन कराया। अच्छा, क्या क्या किस किस लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है, क्या मामला दर्ज हुआ? मैंने आपको बताया प्रभारी निरीक्षक और एक हेड कांस्टेबल हैं जिन लोगों के विरुद्ध धारा 323, 504, 342 IPC और 7 तथा 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पेश किया। मेरठ पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, भ्रष्टाचार को बिल्कुल कमर तोड़ने की तैयारी कर रही है, क्या ये किस तरीके से ये पहल चल रही है और किस तरीके से इन्हें ट्रैक किया गया? श्रावस्ती पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य के निर्देशानुसार महिला बीट पुलिस अधिकारी और शक्ति मोबाइल द्वारा मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए बनाए गए कानून और नियमों को लेकर जागरूक भी किया जा रहा है। साथ ही साथ सेल्फ डिफेंस और हेल्पलाइन नंबर भी वुमेन पावर लाइन 1090 महिला हेल्पलाइन नंबर 181 चिकित्सीय सहायता हेतु 108 पुलिस कंट्रोल नंबर 112 चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के बारे में भी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि यदि किसी प्रकार की समस्या होती है तो हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सहायता प्राप्त की जा सकती है। श्रावस्ती का एक पूरा मामला जहां पर महिलाओं के लिए मिशन शक्ति चलाया जा रहा है और इसके तहत हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि मिशन शक्ति का ये तीसरा चरण है जिसको लेकर हर जिले में तमाम महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, लड़कियों को जागरूक किया जा रहा है, सेल्फ डिफेंस के बारे में उन्हें बताया जा रहा है और तमाम जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ उनसे कहा गया है कि अगर कोई भी मुसीबत या कोई भी जरूरत होती है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके वो तुरंत सुविधा पा सकती हैं। यूपी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत सहारनपुर एसएसपी डॉक्टर एस चनपन्ना ने नगर कोतवाली पहुंचकर महिलाओं से बात की और साथ ही एसएसपी ने महिलाओं और छात्रों को उनके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही महिलाओं को सरकार की ओर से चलाए जा रहे योजनाओं से भी अवगत कराया गया है। इसी के साथ एसएसपी ने महिलाओं को सुरक्षा संबंधी अन्य कानूनी बातों से भी महिलाओं और छात्रों को अवगत कराया है। आपको बता दें कि मिशन शक्ति का तीसरा चरण चल रहा है। इसके तहत हर जिले में महिलाओं को स्कूल जाने वाली बच्चियों और कॉलेज जाने वाली लड़कियों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। इस मिशन शक्ति के तहत बच्चियों और महिलाओं को सशक्तिकरण के बारे में भी बताया जा रहा है। साथ ही साथ उनके प्रति जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई योजनाएं हों, चाहे वो राज्य सरकार द्वारा लाई गई योजनाएं हों, उनके बारे में उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। सेल्फ डिफेंस से लेकर उन्हें अपनी आवाज़ कैसे उठानी है और अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, चाहे वो घर के अंदर हो रहा हो, चाहे वो घर के बाहर हो रहा हो, उसके खिलाफ उन्हें शिकायत दर्ज करानी है, आवाज़ उठानी है, इन सब चीज़ों को लेकर उन्हें सशक्त लगातार किया जा रहा है। बदायूं में गाड़ी की टक्कर से टेम्पो खाई में पलटने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला कादरचौक थाना क्षेत्र के बदायूं कादरचौक रोड का है जहां यह हादसा हुआ। हादसे में एक महिला, बच्ची समेत 4 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। इधर घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जाँच भी की जा रही है। बदायूं का एक पूरा मामला जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने के मिला, जहां पर एक गाड़ी ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जो टेम्पो है वो पलटकर खाई में जा गिरा और यहां पर इस टेम्पो में सवार जो मासूम थे उनकी जान चली गई। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उन्हें तुरंत आसपास के लोगों के सहायता से पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। 4 लोगों की जान चली गई है।
तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टक्कर कितनी भीषण थी। गाड़ी के पूरी तरह से पर कच्चे उड़ गए हैं। इसके साथ ही टेम्पो पलटने से ये भीषण हादसा हो गया है। तो बदायूं की तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला और इस तेज रफ्तार की वजह से 4 लोगों की जान चली गई। वहीं फतेहपुर में भी तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें ट्रक ने बाइक सवार होमगार्ड और महिला को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई। तो वहीं होमगार्ड की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं ट्रक को छोड़कर ड्राइवर और खलासी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के NS2 नवा बाग का है, जहाँ तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला। फतेहपुर की ये पूरी जो खबर है बताई जा रही है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक पर होमगार्ड उसकी पत्नी सवार थे। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं ट्रक चालक और खालसी जो है मौके से फरार बताए जा रहे हैं। तो फतेहपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला। ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। होमगार्ड की हालत बेहद गंभीर है। गोरखपुर में गिड़ा थाना अंतर्गत 900 चौकी से वाराणसी रोड पर चौकी से लगभग 1 किलोमीटर दूरी के पास गुप्ता ट्रेडर्स के नाम की दुकान है, जिसका संचालन जितेंद्र गुप्ता करते हैं, जिसमें एक चोर अपनी बाइक गुप्ता ट्रेडर्स की दुकान के आगे खड़ी कर ट्रैक्टर ट्रॉली को स्टार्ट कर चलता बनता है। चोर की सारी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लेकिन बात यह है कि जो चोर ट्रैक्टर ट्रॉली को चुराने आया था, जब इस बात की जानकारी सुबह दुकान के मालिक जितेंद्र गुप्ता को हुई, तो वो हक्का बक्का रह गया और उसकी पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। वहीं सहारनपुर के बड़गांव क्षेत्र के उमरी गांव निवासी महिला अपने पिता के साथ बाइक पर सवार होकर ननौता से लौट रही थी। वहीं चीनी मिल के नजदीक बाइक को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में 2 बच्चे भी घायल हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुट गई है। सहारनपुर का एक पूरा मामला, जहां पर ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। 2 बच्चे भी घायल बताए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। बदमाशों के पास से एक पिस्टल, 2 तमंचे, जिंदा कारतूस और बाइक बरामद हुई है। बता दें कि पकड़े गए बदमाशों ने देर रात होटल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। उनके साथियों की भी तलाश लगातार की जा रही है। ग्रेटर नोएडा का एक पूरा मामला, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दबंगों की दबंगई तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन दबंगों के साथ महिलाओं ने भी जमकर दबंगई करते हुए दुकानदार की जमकर पिटाई की है। जी हां, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा दबंगों के साथ महिलाओं ने दुकान में घुसकर मार पिटाई की। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पूरा मामला कानपुर देहात के राजपुर थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो कानपुर देहात का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जहां पर दुकानदार से कुछ महिलाएं, कुछ लोग जो हैं दबंगई करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।